हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज़ रितिका मैं बात करती हूँ फैशन मीडियन लाइफ स्टाइल की सो आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है थोड़ा के काफ़ी अलग है बिकॉज़ ये टॉपिक इंडिया में अभी इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर नहीं हुआ है काफ़ी लोगों ने वीडियोस नहीं बनाई है कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इस पर वीडियोज़ बनाई है वेल द टॉपिक इज़ प्रोजेक्ट पैन सो प्रोजेक्ट पैन है क्या प्रोजेक्ट पैन ये है कि आपने अगर बहुत सारे आइटम्स जो पहले ख़रीदे हुए हैं मेकअप प्रोडक्ट्स और उन्हें आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हो रिसेंटली तो आप उन्हें यूज़ करो जितना भी पैसा आपने उनमें इन्वेस्ट किया है कम से कम उनका फायदा तो उठाओ एक्सपायर होने से पहले या फेंकने से पहले उन प्रोडक्ट्स को आप उन्हें अच्छे से यूज़ कर सको जितना आप यूज़ करना चाहते हो हाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट्स पसंद ही ना आए हो वो उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ उन प्रोडक्ट्स की जो आपको उस समय पसंद आए थे बट अब आप वो यूज़ नहीं करते हो अब्रॉड में तो इसके ऊपर मेकअप से रिलेटेड वीडियोज़ है बट आई वुड सजेस्ट कि मेकअप ही नहीं आप स्किन केयर आप कपड़ों इन सब के ऊपर भी सोच के पैन प्रोजेक्ट अपना प्लान करो सो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी निकाली हैं अपने ख़जाने से जो कि मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं करी और कुछ तो ऐसी उनमें से जो कि मैंने खरीदी है पर आज तक यूज नहीं करी है सो so, मैं चाहती हूं कि मैं अब आगे ऐसा पैसा वेस्ट ना करूँ कुछ टाइम उन्हें यूज कर लूँ हाँ मन भर जाए तब मैं उन्हें फेंकूँ या मैं किसी को उन्हें डोनेट कर दूँ या जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है रिलेटिव हैं मैं उन्हें दे दूँ जो एक्चुअल में उसे यूज उस करेंगे सर so, ज़्यादा देर नहीं करते और देखते हैं वो प्रोडक्ट्स जिनको मैं अपने पैन प्रोजेक्ट में प्लान कर रही हूँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो so, पहले तो मैं बताऊंगी पतंजलि की दो एलोवेरा जेल की बॉटल्स काफ़ी टाइम से रखी हुई है थैंकफुली एक्सपायर नहीं हुई हैं और मुझे यही डर था कहीं एक्सपायर ना हो गई हो मुझे एलोवेरा जेल बहुत पसंद है जब से मैंने नैचुरी uh, अपने घर में उगाना शुरू करा है उसे यूज़ करना शुरू करा है तो मैंने बाहर का कम कर दिया है बट uh, जब कन्वीनियंस देखी जाती है कि आसानी से फ़टाफट कभी कोई डी होता है या फटाफट -फट लगाना है लाइट मॉइस्चराइज़र चाहिए तो मैं uh, अब प्लांट नहीं कट करके यूज़ करती हूँ सो फिर ट्यूबर का आपने मेरी पहले वीडियोज़ देखी फिर ट्यूबर ने एक एलोवेरा जेल सजेस्ट करी थी सो so, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ सो so, इसीलिए ये ऐसी रह गई हैं बट आई विल मेक इट श्योर अगर मैं इसे फेस पे यूज़ नहीं करने वाली हूँ तो आपके हैंड्स हैं आपके लेग्स हैं आपके बॉडी के और भी एरियाज हैं या अपने हेयर मास्क में मैं इन्हें डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स टू क्या है तो एक ही प्रोडक्ट के दो आइटम्स हैं सो द नेक्स्ट वन इज़ ये आई शेडो पैलेट ये कलर बार का है बहुत ही अच्छा पैलेट है काफ़ी टाइम पुराना है पहले तो मैं यही पैलेट यूज़ किया करती थी हर जगह बिकॉज मैं इतनी वीडियोज़ नहीं बनाती थी फैशन ब्यूटी से रिलेटेड सो आई यूज टू यूज दिस मेले मोर देन इनफ था बट वेन हैव स्टार्टड दिस ब्लॉगिंग एंड ऑल सो उसके बाद मुझे बहुत सारा uh, लगा कि मैं खरीद लेती हूँ अच्छे से अच्छा पैलेट मुझे ये कलर चाहिए वो चाहिए देन आई गॉट अ रेवोल्यूशन वाला पैलेट उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया और मैंने बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं करा बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें जितने भी कलर्स हैं वो ऑलमोस्ट सब ड्रेसेस के साथ या हर किसी अटायर के साथ अच्छे लगेंगे सो आई डेफिनेटली फिनिश दिस फर्स्ट और या फिर जब तक तो मेरा मन नहीं भरता है सो so मैं कम से कम पाँच छः महीने तो इसी को देखने वाली हूँ और किसी को नहीं देखने वाली हूँ हाँ स्पेशल कोई ओकेजन होगा या मुझे कोई लुक क्रिएट करना होगा तब मैं किसी और पे जाऊँगी सो so, नेक्स्ट आती है ये बॉडी शॉप की द बॉडी शॉप की एक्चुअली स्ट्रॉबेरी हैंड क्रीम है और ये इट इज़ एक्चुअली इंफ्यूज विद कोल्ड प्रेस्ड स्ट्रॉबेरी सीड ऑयल और मुझे बहुत पसंद थी मैं कई सालों से इसे यूज़ कर रही थी और रीपरचेज भी कर रही थी क्योंकि मेरी कई एम टीज़ में आपको ये दिखे भी होंगी मैंने कई बार इसे ख़रीदा है दोबारा बट अब पता नहीं क्या हो गया है शायद कायरा के होने के बाद मैं हैंड केयर करना भूल ही गई हूँ सो मैंने इसे काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया काफ़ी प्रोडक्ट इसमें बचा है सो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस अप उसके बाद मैं अपने हाथों की भी केयर करना अब दोबारा से स्टार्ट करने वाली हूँ बिकॉज़ अब वो दो साल की हो गई है अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपने ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे सकती हूँ सो द नेक्स्ट वन इज़ ये मेबलिन का कंसीलर ये तो एक्चुअली um, बहुत ही अच्छा कंसीलर था और उस टाइम पे मैंने बहुत ही खुशी खुशी से इसे खरीदा था क्योंकि मैं उस समय मेकअप अच्छा वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था मेरे पे काम भी बहुत अच्छा करता था मेरी स्किन को सूट भी करता था बट आई डोंट नो व्हाई मैंने इसे यूज़ करना छोड़ दिया मतलब ऐसे तो नहीं बोलूँगी आई डोंट नो वाई आई नो वाई Uh, मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करने की कोशिश करी थी देन आई स्टार्टेड यूजिंग व्हाट वॉज दैट मैंने शो किया था मेरी भूल रही हूँ मैं ज़रूर उसकी फ़ोटोग्राफ यहाँ डाल दूँगी सो so, वो आई गेस वो रूबी ऑर्गेनिक्स का था आई एम नॉट श्योर बट फोटो में आप देख सकते हो सो so, वो बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक है और मुझे ज़्यादा मेकअप करना अच्छा पड़ता है तो मैं उसे यूज़ करती हूँ बट आई थिंक मुझे इसे फिनिश तो करना चाहिए ना अभी एक्सपायर नहीं हुआ है सो so, मैं इसे यूज़ करूँगी स्पेशली जब मैं बाहर जाऊँगी रोज़ अगर मेकअप अच्छा या रेगुलर बेसिस पे मुझे मेकअप करना अच्छा पड़ता है तो मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि मेरी स्किन इरीटेट ना हो बट अगर आप कभी कभार बाहर जा रहे हो कोई ओकेजन के लिए सो ये यूज़ कर सकती हूँ सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फिनिश दिस अप एंड आई रियली लव दिस प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है सो so, विंटर्स आने वाली है ये पिछली विंटर्स में लिया था आज तक यूज़ नहीं हुआ है ये नीविया का दिस इज अ अन बट एक्चुअली बाम है कलर्ड बाम है दिस इज नॉट अ करेन मतलब क्रेन uh, ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, ये मिलेगा बट ये लिटरली बाम है और uh, ज़्यादा टिंटेड है देन आई हैव दिस शिम्बोर का ग्लॉसी इफ़ेक्ट वाला लिप ग्लॉथ्स विंटर्स में हम लिप ग्लॉथ्स यूज़ कर सकते हैं बट पिछली विंटर्स में मैंने इसे यूज़ नहीं किया देन आई हैव दीज टू एन वाई बे की लिप क्रॉन्स लिप क्रियन्स मुझे लगता है विंटर्स में ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं बट मेरे पास इतने सारे हैं न क्योंकि मैंने खरीदे थे आपको पता ही है ये लाइफ कैसी होती है इन्फ्लुंसर्स influence, की सो so, बहुत सारे खरीदे हुए हैं सो so इनका नंबर ही नहीं आता बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज़ दीज प्रोडक्ट्स वेरी 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 सुन के आई इल जस्ट स्टार्ट यूजिंग दैन और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ईयर मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना ख़रीदी बिकॉज दे आर एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज अब मैं स्किन केयर पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ मेकअप पे कम ध्यान देती हूँ ना ही कोई काजल यूज़ करी है ना ही कोई लिपस्टिक यूज़ करी है कोई प्राइमर कुछ नहीं किया स्किन केयर करी है लेकिन उसके पीछे एक कारण ये भी है ऐसा नहीं है कि मैं बिना मेकअप के ही वीडियोज़ बनाऊँगी ऐसा नहीं है बट उसके पीछे कारण ये है कि मैंने कल ही पीलिंग करवाई है एंड आई रिल डोंट वॉन्ट माई स्किन टू गेट इरीटेटेड इसीलिए मैंने अभी कोई मेकअप नहीं करा है एंड आई थिंक हमें इतना आपस में क्लोज होना चाहिए मेरे सब्सक्राइबर्स और मुझे एक मिनट या सो आई थिंक मुझे और मेरे सब्सक्राइबर्स को इतना क्लोज होना चाहिए आपस में ताकि मेरी बेयर स्किन फेस आप देख सको बेयर फेस और कहीं मुझे मिले तो पहचान भी जाओ कहीं मेकअप में ही रहोगे तो पहचानोगे कैसे <laughs> मैं बात करूँगी इन दो प्रोडक्ट्स की ये है फाउंडेशन ये कला बाग की फाउंडेशन है ये मेरी बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ करती थी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो स्पेशली नाइट पार्टीज में आप जा रहे हो सो दिस वॉज माई सेवियर और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद थी मतलब मैं इसके बिना कुछ और यू आई I मीन mean, इसके अलावा मैं कुछ और यूज़ नहीं करती थी देन मार्केट uh, में आया दस फिट मी फाउंडेशन बाय मे बिलीन देन आई स्टार्ट यूजिंग इट दो मुझे ऐसा लगा कि विंटर्स में इतना अच्छा नहीं रहेगा अगर आप स्किन केयर अच्छे से नहीं करोगे बिकॉज उस टाइम पे मैं स्किन केयर इतना अच्छा नहीं करती थी तो मैं इससे थोड़ा निराश हो गई थी हालांकि ये बहुत अच्छी है अब मैं मान सकती हूँ बिकॉज़ अर्लियर मैं स्किन पर स्किन केयर पे इतना एम्फरसाइज़ नहीं करती थी अब मुझे लगता है ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं कहीं मैं बाहर जाऊँ कभी कभार के लिए सो मैं ये यूज़ करूँगी सो so, अभी मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ फिर ट्यूबर ने सजेस्ट किया था रूबीज ऑर्गेनिक्स तो मैं उसका फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ बट स्टिल यार बहुत कॉस्टली है ये सो आई मस्ट फिनिश ख़राब तो नहीं है ना मेरी फेस को सूट कर रहे थे आई नेवर हैड एनी एक्ने और पिम्पल आफ्टर यूजिंग दिस सो आई थिंक मुझे इन्हें फिनिश करना चाहिए सो so, क्या बोलो ज्यादा ना अब मुझे ऐसे इन सब प्रोडक्ट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कितने पैसे वेस्ट कर दिए यार आई uh, थिंक मुझे नए प्रोडक्ट्स हम लोग आप क्या मैं हूँ हर कोई ना नए नए प्रोडक्ट्स के पीछे भागता रहता है कि ये आ गया अब ये लो शायद मेरी स्किन को ये सूट कर जाएगा किसी ने ये दिखा दिया चाहे मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ आप मेरे प्रोडक्ट्स देख रहे हो सो so वो रिव्यू को अच्छे से uh, समझो और जो आपके साथ ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं उनके इन्ग्रीडियंट्स देखो कि आप तो उनमें वो इंग्रीडियंट्स मिल जाए जो उस प्रोडक्ट में है सो या नेक्स्ट इज दिस ये अनियन ऑयल है एंड ओरिगेंस ब्रांड का नाम है ये मुझे मेरे भाई ने दिया था सो दिस इज़ रियली नाइस मेरे को हेयर फॉल हो रहा था एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट जब उसने मुझे दिया था तो मैं इसे काफ़ी यूज़ कर रही थी उस टाइम पे बाएव जी ने नहीं पता मेरे भाई एक ट्रैवल व्लॉगर लॉगर है बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है ट्रैवल के ऊपर सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी आप देख सकते हो आर के वी से नाम है सो ही गेम में दिस और मैंने स्टार्टिंग बहुत यूज़ करा अभी इसमें इतना बचा है नहीं इतना हाँ इतना बचा है सो काफ़ी है एंड इतना अच्छा था ना अनियन ऑयल एक्चुअली अगर घर में आप डी बना सकते हो तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं हेयर फॉल जिनको प्रॉब्लम है बिकॉज मैंने पूछा था एक बार कि क्या टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊं कि आप देखना चाहते हो सो so आप लोगों ने काफी लोगों ने हेयर फॉल के ऊपर डी बोला था सो so अगर आप डी अनियन वाला बनाना चाहते हो तो ठीक है अनियन ऑयल बना सकते हो लेकिन अगर नहीं है टाइम या कर, एफर्ट नहीं लेना चाहते सो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इतना यूज़ किया था बहुत फ़ायदा हुआ था फिर पता नहीं क्या हुआ आई डोंट यूज़ इट और ऐसे रखा रह गया सो so, ये प्रोडक्ट मैं ख़त्म करूँगी बिकॉज़ आई 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 लव इट ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती बोल रही हूँ ये प्रोडक्ट्स में पसंद है क्योंकि मैंने ख़रीदे इसलिए थे क्योंकि मुझे पसंद थे मुझे सूट करे थे तो मैं कंटिन्यू कर रही थी उनको ओके सो द नेक्स्ट वन इज़ जस्ट वेट एंड वाइल्ड अब इस प्रोडक्ट को मैं रिव्यू नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ मैंने यूज़ ही नहीं किया है ये आपका मतलब आई शेडो की तरह आप इसे यूज़ करते हो एंड पिगमेंटेड बहुत अच्छा पिगमेंटेड है मतलब दिस आर स्पार्कलिंग यू कैन सी इट स्पार्कलिंग आई शेडो है काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड है स्पार्कल काफ़ी अच्छा है बट आई नेवर यूज इट आई ऑर्डर इट बाई माई सेल्फ दिस वॉज नॉट इन माई पी आर मैंने इसे नायका से खरीदा था आई स्टिल रिमेंबर इट बिकॉज आई वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय दी अदर इन्फ्लुएंसर्स कि इसे खरीदूँ एंड आई थॉट टू गिव इट अ एक्चुअली मैंने इसे रिव्यू करने के लिए ख़रीदा था बट आई डोंट नो वट हैपन मे बी डिलीवरी एंड यू नो आई डोंट नो आई लॉस दिस प्रोडक्ट सम वे आज मैं ढूंढ रही थी अपने पुराना खजाने में से आई गॉट इट सो मैं इसे डेफिनेटली यूज़ करूँगी यार ये बहुत ही मस्त मोकि आई वाला लुक प्रोवाइड करेगा और मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था मैं पक्का नहीं कह सकती बट मेरे हिसाब से दो सौ से भी कम का प्रोडक्ट है सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ये आपका मेकअप रिमूवल ऑयल इन्फ्यूज क्लेंजिंग वाटर है सो so, uh, ये पूरा भरा का भरा है पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूज़ नहीं किया हुआ है थोड़ा सा यूज़ किया है बहुत ज़्यादा नहीं आई स्टार्टड यूजिंग कोकोनट ऑयल टू रिमूव माई मेकअप बिकॉज आई स्टार्ट यूजिंग अ लॉट ऑफ मेकअप Uh, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ घर पे वीडियोस बना रही हूँ सो आई स्टार्टेड यूजिंग अ लॉट ऑफ मेकअप सो मुझे लगता था कोकोनट ऑयल से जल्दी जल्दी निकल जाता है मेकअप अच्छे से निकल जाता है बट अब मैं स्किन केयर पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ सो मुझे ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है मैं लिप्स पे आइज़ का मेकअप उतारना है तो मुझे ये फिनिश करना चाहिए और जब ख़रीदा है तो क्यों ना करूँ यार अच्छा है सच में अच्छा है लोगों के रिव्यूज़ अच्छे हैं मैं भी इसका अच्छे से रिव्यू नहीं दे सकती हूँ मैं नहीं बोल सकती कि द बेस्ट है या यही खरीदो क्योंकि मैंने इसे अभी ढंग से यूज़ नहीं किया जब यूज़ कर लूँगी तो इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी हाँ, हैसल फ्री बहुत है क्योंकि कोकोनट ऑयल में क्या होता बार बार है सो so आपको बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करनी पड़ती है अगर आप जल्दीबाजी में टाइम अच्छा नहीं लगता स्पेंड करना so really good, okay, so is, आप इसकी पैकेजिंग नहीं खुली है पर ऐसा नहीं है मैंने पैकेजिंग इसलिए रखी है ताकि मैं आप लोगों को रिव्यू दे सकूं मैंने एक टाइम पे खरीदा था

शेव माई फेस एंड आई सफर्ड फ्रॉम अ वेरी वेरी बैड एक्ने और इसकी वीडियो आपको मैं लिंक में दूँगी कि अगर आप शेविंग करना सोच रहे हैं फेस की तो पहले एक वीडियो ज़रूर देखिए वो डिस्क्रिप्शन में है ऐसा नहीं है हर किसी के लिए शेविंग नहीं है पर मेरे लिए शेविंग नहीं है सो रियली बैड एक्सपीरियंस रियली रियली आई रिग्रेट शेविंग सो आई वॉज यूजिंग दिस उस उन एक्ने पर बट देन वेन मुझे लगा कि Uh, बिल्कुल क्योर नहीं हो पा रहा है देन आई वेंट टू माई डॉक्टर डिस्कस्ड विद हर सो शी गेव मी अनदर ब्रांड्स सेल्सिलिक एसिड आई आई स्टॉप यूजिंग इट बट यू नो चलो मैं फेस पे यूज़ नहीं कर रही हूँ उन्होंने जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है सब कुछ सेम ही होता है आई नो द फॉर्मला एंड ऑल बट स्टिल यू नो जब डॉक्टर ने बोला तो मैं वो ही ले रही हूँ सो वट आई कैन डू इज़ कि इसको और जगह पर यूज़ कर सकती हूँ हैंड्स पे बैक पे लेग्स पे सो दैट यू नो सेल्सलिक एसिड आप एक्टिव um, अपने और जगह पे भी यूज़ कर सकते हो सो आम डेफिनेट फिनिशर्ड बिकॉज ये कोई भी चीज़ सस्ती तो होती नहीं आजकल आप कोई भी चीज़ उठाओ पाँच सौ का पत्ता ऐसे जाता है सो दैट सेट फॉर टुडे और अगर आप चाहते हो मैं इस टाइप की और वीडियोज़ आपके सामने लेकर आऊँ सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो में कॉमेंट uh, करके बताओ कि आपके पास क्या कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं और एक चीज़ और बताना यार मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू करना चाहती हूँ इन केस यू रियली वॉन्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी रिव्यूड बाय मीट सो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताओ कि क्या प्रोडक्ट्स मैं रिव्यू करूँ चल दैन टेक केन बाय बाय